नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमा पवार। आप देख रहे हैं अतर न्यूज की खास खबर। बंडा विशेष न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। बीरखेड़ी की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद निशंस हत्या में दोषियों को विशेष न्यायालय में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 15 मार्च 2019 में बंडा थाना अंतर्गत ग्राम बीरखेड़ी में सगे चाचा और भाई ने अपनी बहन 11 वर्षीय की हत्या कर दी थी। घटनाक्रम में एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने पर उसका प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। आज से लगभग 22 माह पूर्व ग्राम बीरखेड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके चाचा और भाई ने बलात्कार कर हत्या की थी और उसके खिलाफ माननीय विचार न्यायालय द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी 22 माह में ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिससे समाज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी और माननीय विद्वान न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया है बहुत ही न्यायप्रिय है और इससे अपराधियों में भय पैदा होगा और एक न्याय के प्रति लोगों की जागृति होगी कि न्यायालय में सचमुच में देवता बैठते हैं और यहाँ न्याय होता है। 22 महीने से न्यायालय श्री उमा शंकर अग्रवाल जी अब प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बंडा जिला सागर के न्यायालय में लंबित था। इस मामले की कहानी ये है कि दिनांक 14/3/19 को मंगल अहरवार ने अपनी 11 वर्षीय पुत्री गुड़िया, जो परिवर्तित नाम है, के गुम हो जाने की सूचना दी थी कि वह दिनांक 13/3/19 को भड़राना स्कूल पेपर देने गई थी, वापिस नहीं आई थी। स्कूल जाकर पता किया तो मास्टर साहब ने बताया कि गुड़िया जो है स्कूल नहीं आई है। अगले दिन जो है उसकी लाश जो है धड़ और सिर दो हिस्सों में एक खेत पर पाई जाती है। फिर इसके बाद जो है मौके पर जो है पुलिस की टीम आती है और सारी कार्रवाई की जाती है और मई 2019 में इसका चालान न्यायालय में पेश किया जाता है। और सर, ये जो आज मृत्युदंड की सजा सुनाई, ये कितने टाइम में दी जाएगी? ये जो है अभी पुष्टि हेतु मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर जाएगा, वहाँ से पुष्टि होगी, फिर आगामी कार्रवाई होगी। आज कोर्ट द्वारा क्या फैसला सुनाएगा? कोर्ट के द्वारा जो है आरोपी राम प्रसाद और बंसी लाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। Thank you.